क्यों जम्मू कश्मीर चुनाव के फैसले को 370 के हक में बताना एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है, बताएंगे आपको और दिखाएंगे कश्मीरियों का कबूलनामा कि मोदी ही हैं कश्मीर के असली चैंपियन। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए करेंगे केक पर हैरान कर देने वाला एक ऐसा खुलासा जिसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या खुशी के मौके पर जिस केक को आप काट कर बांट रहे हैं उसके साथ जहर और बीमारियां तो नहीं बांट रहे। लेकिन शुरुआत कश्मीर की आवाम के नए राष्ट्रवादी फैसले के साथ। तो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट सामने आने के बाद मोदी के विरोधी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम की लाइन पर वोटिंग हुई और जम्मू जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां हिंदुत्व वाली पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और कश्मीर जहां की मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां अब्दुल्ला की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप भी अगर इसी मजहबी लाइन पर देखते हैं तो आप भी जाने अनजाने न सिर्फ लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं बल्कि आप देश विरोधी ताकतों के एक झूठे नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं और ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको अगले कुछ मिनटों में आपके सामने एक एक सबूत के साथ साबित करूंगा। इस चुनावी रिजल्ट के बाद मोदी के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने 370 की वापसी के लिए वोट दिया, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह भी एक सरासर प्रोपेगेंडा है, एक देश विरोधी नैरेटिव। दरअसल जम्मू कश्मीर ने 370 की वापसी के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ वोट दिया। और अब सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सुन लीजिए और उसके बाद आगे की बातें करें। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे वो बेवकूफी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। तो 25 सितंबर 2024 को जब चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखकर गारंटी दी थी और गारंटी एक तरीके से यह थी कि कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों जिसमें कि 370 और 35A की बहाली शामिल है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा समेत वापस दिलाएंगे। रिजल्ट अभी सामने आए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और उमर अब्दुल्ला की उस गारंटी की हवा निकल गई और कैसे ये हमने आपको उन्हीं की जुबान से सुनवा दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर चढ़कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं तारिक हामिद कर्रा वो अब्दुल्ला परिवार को बधाई देने पहुंचे थे। उनसे उमर के 370 वाले बयान पर पत्रकारों ने सवाल पूछा और कर्रा साहब जवाब में कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते और देते भी कैसे, 6 सीट के साथ हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नहीं बता सकते कि क्या बोलना है और क्या करना है और एजेंडा क्या होगा। और 370 पर अगर कुछ भी कांग्रेस कहती है तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के नेता सुबह दोपहर शाम कांग्रेसियों से सवाल पूछेंगे कि क्यों भाई कश्मीर में 370 की वापसी चाहते हो क्या। जाहिर है कि ऐसे सवालों और ऐसे एंटी नेशनल इमेज को राहुल बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और उससे बचना चाहेंगे। 370 पर कांग्रेस की बोलती बंद है तो ऐसे नेता भी इसके खात्मे की खूबियां आज गिनाने लग गए हैं जो दिन रात पानी पी पी कर मोदी शाह को कोसते रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का, एक बार सुनिए जरा उनको। ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का उन्होंने अपना गुस्से का इजहार कर दिया,
और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम समझ सकते हैं कि किन राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो वैसी कश्मीर के मुसलमान पर धारा 370 का प्रेम थोप रहे हैं, लेकिन उसी लाइन में ये भी मान रहे हैं कि 370 के अंत के साथ ही कश्मीर में एक शांतिपूर्ण तरीके से साफ सुथरा चुनाव हुआ है। चलिए आपको जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी चुनाव का एक और चेहरा दिखाते हैं। 5 अगस्त 2019 की एक तस्वीर देखिए, ये वो तारीख है और ये वो तस्वीर है जिन्होंने भारत की राजनीति बदल कर रख दी, कश्मीर का भाग्य बदल कर रख दिया। एक ही झटके में मोदी शाह ने कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और इसकी आड़ में चल रही अलगाववाद की राजनीति को खत्म कर दिया। और अब आपको कल की तस्वीरें दिखाता हूं। उत्साही कार्यकर्ताओं ने जब नारेबाजी की चुनाव के बाद, तो खुशी से लवरेज सीनियर अब्दुल्ला भी छत पर चढ़ गए थे। जरा देखिए, ये उस समय जो छाती पीट रहे थे धारा 370 खत्म किए जाने पर, और कल चुनाव के बाद जो ऐसे खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का जश्न है और उसका इजहार है। लेकिन इस जश्न के बीच याद रखना भी जरूरी है कि कश्मीर में जमहूरियत की बहाली जरूर हुई है, लेकिन इसकी आड़ में अलगाववाद और आतंकवाद को सिर उठाने की इजाजत नहीं होगी, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। जम्मू कश्मीर आज भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां के शासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली। जम्मू कश्मीर में शासन के मॉडल को समझिए और फिर आप समझ पाएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जरूर एक बड़ी घटना हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को सख्ती से दबाने की जो पॉलिसी है उस पर कोई समझौता नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में एलजी के पास कई तरह के अधिकार हैं। राज्य के सभी विभागों के सेक्रेटरी की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर एलजी की सहमति के बगैर नहीं होगा, यानी सभी विभागों के सबसे बड़े अधिकारी जो होंगे वो एलजी के नियंत्रण में रहेंगे। पब्लिक ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी के पास होगी, यानी पुलिस से लेकर सीआईडी, एसटीएफ, एसआईटी, सारे खुफिया विभाग एलजी के अंडर में होंगे। पैरामिलिट्री और सेना के साथ तालमेल बिठाने का जिम्मा भी उन्हीं के पास रहेगा। मतलब ये कि आतंक के खिलाफ मुहिम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होने वाली। अलगाववाद को फिर से कश्मीर में पैर जमाने की इजाजत नहीं दी जाने वाली। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को पहले बताने होंगे और कम से कम 2 दिन पहले बताना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए बनी प्रदेश की जो ताकतवर एंटी करप्शन ब्यूरो है, जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग, ये सब चुनी हुई सरकार के पास नहीं होकर उपराज्यपाल के पास होंगे। एलजी की राजनीतिक ताकत का अंदाजा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून की धारा 55 से भी स्पष्ट हो जाती है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार का मंत्रिमंडल नहीं कर सकती और एलजी का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा। मोदी सरकार का मकसद एकदम स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर के विकास और आम लोगों के कल्याण के लिए सरकार के पास सारे अधिकार होंगे, लेकिन फिलहाल वो अधिकार जिनका दुरुपयोग करके कश्मीर में अलगाववाद या आतंकवाद को हवा दी जा सकती है, वो सारे अधिकार उनके पास नहीं होंगे, वो सारे एलजी के पास होंगे। कश्मीर में आज एक चुनी हुई सरकार है जिसके पास कश्मीर की सूरत बदलने की पूरी ताकत होगी। और रही बात इस प्रोपेगेंडा की कि नतीजे धारा 370 के वापसी के पक्ष में हैं, तो इसकी भी एक सच्चाई देखिए। बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर की आवामी इत्तेहाद पार्टी, जो कि एक तरीके से अलगाववादी एजेंडे के साथ रहती है, उसने 35 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन रशीद इंजीनियर की पार्टी को कामयाबी सिर्फ एक सीट पर मिली। सोचिए कि उनको किस तरीके से डकारा गया है घाटी में और जम्मू कश्मीर में। लंगेट से शेख के भाई हैं खुर्शीद अहमद, सिर्फ वही जीत पाए। और इस चुनाव में जमाते इस्लामी भी पिछले दरवाजे से चुनाव लड़ी। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में केंद्र सरकार ने 2019 में जमाते इस्लामी पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। जमात ने इस साल चुनाव में 9 सीटों पर निर्दलीय के रूप में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इनमें से सैयार अहमद रेशी
सिर्फ एक उम्मीदवार हैं जिनकी जमानत बच पाई, जीतने की बात छोड़िए, जमानत बचाने वालों में से भी सिर्फ एक आदमी थे, रेशी कुलगांव सीट से उम्मीदवार। इसके अलावा बुरहान बानी के एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सर्जन अहमद बागे, गंदरबल में उनको 500 वोट नहीं मिल पाए, ठीक से सोचिए। और एक बुरहान बानी को बताते हैं कि वो इस आजादी का नायक, आजादी की लड़ाई का नायक है, उसके उसके लिए आवाज उठाने वाले को 500 वोट नहीं मिले। 2001 के संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु, जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सोपोर से उतरे थे, उन्हें 129 वोट मिले हैं, नोटा से भी कम बैठता है। ये लोग जो अलगाववादी एजेंडे के साथ उतरने वाले लोग हैं, जो आतंकवाद को सरपरस्ती देने वाले लोग हैं, उनको कैसे जनता ने, कश्मीर की जनता ने नकारा है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और अब आपको यह भी बता दूं कि कश्मीर में किस पार्टी का वोट बढ़ा है। 370 को खत्म करने वाली बीजेपी को घाटी में खारिज नहीं किया गया है, उनकी उसकी भी तस्वीर आप एक बार जरा देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी को 25.64% वोट मिले और सीटें मिली 29, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट के साथ आगे रही, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बीजेपी से कम रहा, उसको 23.43% वोट मिला। इस बार घाटी में 3 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही है, मतलब दूसरे नंबर पर रही घाटी में, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, और आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, या फिर 10,000 से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी रही है। 99% मुस्लिम आबादी वाली सीट है गुरेज, इस सीट पर बीजेपी बस 1132 वोट से हारी, सोचिए। और श्रीनगर की मुस्लिम बहुल सीट है हब्बा कदल, इस पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। सोपिया जैसी सीट, उस पर बीजेपी उम्मीदवार को 6,895 वोट मिले। अब आपको लग रहा होगा कि 6,895 तो बहुत कम है, लेकिन जो जीते उनको कितने वोट मिले, उनको 14,113 वोट मिले थे। ये सब छोटी विधानसभा की सीटें हैं, आबादी कम है, पहाड़ी इलाके हैं। अनंतनाग पश्चिम से बीजेपी 6,574 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि यहां विनर रहे एससी कैंडिडेट को कुल 25,000 वोट मिले। और तो और किश्तवाड़ जैसी सीट, जहां 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां बीजेपी की शगुन परिहार को जीत मिली। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव के, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे धारा 370 की वापसी के लिए जनादेश है, वो कितना बड़ा फेक नैरेटिव है। कश्मीर में जमहूरियत की जय के साथ ही मोदी ने अपने प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक श्रद्धांजलि दी, जो कश्मीर के मामले में अक्सर इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का मंत्र देते थे।